नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आपके लिए एक 3 BHK प्रॉपर्टी लेके आए हैं। काफ़ी चौड़े रोड की प्रॉपर्टी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ई रिक्शा या अपना पर्सनल पब्लिक कन्वीनियंस या प्राइवेट कन्वीनियंस जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेन रोड से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये प्रॉपर्टी होगी और मेट्रो स्टेशन से देखते हैं तो हाँ, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा। ये प्रॉपर्टी आपको फुली फर्निश कंडीशन में मिलती है। काम इस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त किया गया है, आपके सामने है, जो क्लास कहते हैं ना, क्लास ऑफ वर्क आपको बहुत अच्छा मिलेगा और लिविंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। सेफ्टी के लिए आपको नीचे सिक्योरिटी गार्ड वाली व्यवस्था मिल जाती है, तो परमिशन के साथ में ही लोग इस बिल्डिंग के अंदर एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। और नीचे स्टिल्ट में हमें बहुत बढ़िया कार पार्किंग स्पेस मिल जाता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना चाहते हैं तो हमने R के आगे जो नंबर लिखा हुआ है उस प्रॉपर्टी कोड के साथ में नीचे लिखे हुए नंबर्स में हमें कॉल कीजिए और इस प्रॉपर्टी को विजिट करके बुक कीजिए। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी फ्लैट है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ। सो दोस्तों, ये हमारा फ्लोर, सामने आपको मिल जाती है लिफ्ट, इधर इधर आपको 3 फ्लैट मिलते हैं और पीछे की ओर आपको 3 फ्लैट मिलते हैं। मतलब हर फ्लोर पे हमें टोटल 6 फ्लैट्स मिलते हैं, 6 फ्लैट्स, लेकिन ओपन एरिया काफ़ी अच्छा है। ये हमारा स्टेयरकेस है जिसको लेकर भी आप अपने फ्लोर तक आ सकते हैं। इधर से हम अपने फ्लैट में एंटर होते हैं। गेट क्लोज प्लीज़। और दोस्तों, इस प्रॉपर्टी का जो लेआउट है अब मैं आपको बता देता हूँ। हम खड़े हैं लिविंग हॉल में जिसके अंदर आपको सारा सामान लगा हुआ मिलता है। बेडरूम नंबर 1 किचन, बेडरूम नंबर 2 और 3, ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है। ऊपर देखिए एक बार, शैंडलियर से लेकर फैंस तक यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया गया है इस प्रॉपर्टी के अंदर। और ये जितना भी आप सारा का सारा फर्नीचर देख रहे हैं, ये सारा फर्नीचर आपको मिलेगा यूज़ करने के लिए, लेकिन इसे प्यार से यूज़ करना है आपको, ताकि जब आप इस प्रॉपर्टी को वैकेट करें तो किसी भी सामान को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो अल्टीमेटली वो आपकी पॉकेट पर भारी पड़ सकता है। इसको देख लिया आपने, यहाँ पर जो ये वाली वॉल है इसके ऊपर एक काफ़ी स्पेशियस ब्रीदेबल स्पेस दिख रहा होगा आपको, क्योंकि टीवी पैनल जो है उसके बावजूद या बगल में कह लीजिए, यहाँ पे जो मिरर है ना, ये बहुत अच्छा एक्सेंट ऐड कर रहा है आपके लिविंग हॉल में। और यहीं पे हमारा डाइनिंग अरेंजमेंट भी बना हुआ है। थोड़ा सा आगे आते हैं आप, यहाँ से आप सारी चीज़ों को देख पा रहे होंगे। ये हमारा गेस्ट वॉशरूम है, बेडरूम 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। ये आइए किचन देखिए पहले। इस किचन स्पेस में आप जितना भी बड़ा किचन, सॉरी, फ्रिज खड़ा करना चाहते हैं खड़ा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उसमें। ऊपर देखते हैं ब्यूटीफुल लाइट्स का सिलेक्शन, नीचे आप देखते हैं तो आपको सारा मॉड्यूलर काम मिलेगा, चिमनी एंड ऑल वर्किंग कंडीशन में। इधर एक शाफ्ट है हमारी, और यहाँ से हल्का सा पीछे आके इधर चलते हैं बेडरूम नंबर 1 में। इस बेडरूम नंबर 1 के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि ये बेड एंड ऑल सब कुछ प्लेस्ड है। इधर एक वोल्टास का एसी लगा हुआ है, लगभग 1 टन या उसके आसपास का होगा, जो इस रूम को सेल्फ सफिशिएंटली आराम से ठंडा कर सकता है। इधर आपको मिल जाएगा स्टोरेज स्पेस, इधर आपको मिल जाएगा वार्डरोब स्पेस, यहाँ आपको मिल जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया, और ये आपको मिलती है आपकी शाफ्ट के ऊपर लगी हुई एक ब्लाइंड, जिससे आपकी जो शाफ्ट की खिड़की है वो थोड़ी सी ढक जाती है। ये हमारा गेस्ट वॉशरूम है, इसके अंदर आप देखिए स्पेस आपको बहुत अच्छा दिखेगा, बैठने के लिए आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिलता है, साथ ही साथ यहाँ नहाने के लिए भी बढ़िया स्पेस मिलता है। और ये जो L दिख रहा है आपको कॉर्नर स्पेस, इधर से हमारी शाफ्ट है और ये लगभग 20 लीटर का आपको गीजर मिल जाता है। इधर एक डोर है, इस डोर को लेकर आप अपने बेडरूम नंबर 3 से भी इस वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं। आगे आइए प्लीज़। इस बेडरूम के अंदर आपको बेड लगा हुआ मिलता है, क्विल्टिंग वाला बेड है सारा का सारा। साइड में दोनों तरफ आपको चेस्टर मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाएगा काफ़ी गहरा, काफ़ी बड़ा। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन ऐड किया गया है, आप इस वाले प्लेस पे, इस वाले स्पेस के ऊपर आराम से स्टैंड के साथ में अपना टीवी रख सकते हैं, और एल्स अगर आप इस वाले स्पेस को डेकोरेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं।
एक बार प्लीज अंदर आइए, उस तरफ देखिए, ये वाला वो डोर है जिसके बारे में आपको बता रहा था, जिसको यूज करके आप अपने वॉशरूम को, कॉमन वॉशरूम को अटैच वॉशरूम की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर निकलते हैं तो काफी, ओहो, बालकनी है परंतु दिखाने की स्थिति में नहीं है, काफी गंदी हो रखी है। जब आप विजिट पे आएंगे मैं साफ करवा दूंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा लास्ट बेडरूम और उसके बाद में इस प्रॉपर्टी का करते हैं क्लोजिंग। यहाँ से आते हैं और चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम में। ये है आपका लास्ट बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर भी आपको अटैच वॉशरूम का प्रॉस्पेक्ट प्रावधान मिलता है। इस रूम का जो साइज है वो काफी बढ़िया है। नंबर्स में अगर हम बात करते हैं इस रूम के साइज की, तो ये आपको मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट के आसपास, और यहाँ से लेकर पीछे तक अगर आप इसे देखते हैं तो ये आपको मिलता है 12 फीट। 11 बाय 12 का रूम है, सबसे बड़ा रूम है, अटैच वॉशरूम के साथ में आपको मिलता है। तो दिस कैन बी योर मास्टर बेडरूम। उधर की तरफ आप देखते हैं तो दो बहुत ही सटल और एलिगेंट डिजाइन के साथ में आपको मिलते हैं वार्डरोब्स। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अटैच बड़े साइज का वॉशरूम। आइए, वॉशरूम यहाँ पे हल्के साइज के नहीं है, बड़े साइज के हैं सारे। ये देखते हैं तो लगभग 5 फीट के आसपास चौड़ाई है इसकी, और ऐसे देखते हैं तो 7 फीट है। तो 5x7 का साइज अच्छा साइज कंसिडर किया जाता है। वेंटिलेशन बढ़िया है, और जो आपका इस रूम के अंदर एसी लगा हुआ है ये भी आपकी बालकनी वाले साइड पे ही ओपन होता है, तो आपके जो रूम्स हैं वो ठंडे रहेंगे। इस प्रॉपर्टी के अंदर लगभग मैंने क्या पाया है ना कि सारी ही, हमारे को एक इस वाले में स्प्लिट एसी मिला था, इसके अंदर विंडो एसी मिल गया, इसके अंदर विंडो एसी मिल गया, 3 एसी ऑलरेडी लगे हुए हैं, सारा सामान लगा हुआ है, डाइनिंग से लेकर रेफ्रिजरेशन से लेकर सब कुछ, एवरीथिंग। एक रेफ्रिजरेटर छोड़ के मुझे सारा ही सामान दिखा है। बाकी ये प्रॉपर्टी जो है लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ में आती है, रेंटल आपने देख लिया होगा। इस लोकेशन को अगर आप गूगल मैप पे देखते हैं तो ये आपको जो एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखाती है द्वारका मोड़ और नवादा मेट्रो स्टेशन से 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच का दिखाती है, अप्रॉक्सीमेट। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट आज चेक नहीं किया है, लेकिन हाँ उतना ही दिखाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेट्रो अगर लेनी है तो नियरेस्ट मेट्रो आपको मिलेगी द्वारका मोड़ और नवादा मेट्रो स्टेशन। बाकी यहाँ तक आप अपनी गाड़ी से ही पहुँच सकते हैं। नीचे आपको गाड़ी पार्किंग मिल ही जाएगी, गार्ड है यहाँ पे, और सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज भी ओके है। मार्केट बहुत ज़्यादा पास में है, आप यहाँ से बाहर निकलते ही मार्केट और बाजार को भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी काफ़ी चौड़े रोड पे है, मतलब इसकी चौड़ाई होगी लगभग 35 से 40 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है इस रोड की। बाकी यहाँ तक आने के लिए आप, बड़ा एक फेमस रोड है यहाँ पे, पीपल रोड बोलते हैं उसको, उसको लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि हमारी आज की प्रॉपर्टी, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, और अगर कुछ समय रह के देखना चाहते हैं इस लोकेशन पे और फ्लैट बाय करने का डिसीजन बना रहे हैं तो भी डेफिनेटली इस एरिया को ट्राई करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के बढ़िया से फ्लैट में रह के देखिए, करीब 1 साल रहिए, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।